चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप अगर अभी भी बगल में ही खड़े आप जाकर के पता करेंगे तो सारा फैक्ट्री बंद है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बिहार में जब रोजगार ही रहता था इतना दूर दूर कहला जाता है, दिल्ली मुंबई कहला जाता। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की दीघा विधानसभा सीट पर है और बिहार में आइए जानते हैं आज चुनाव के मुद्दे लोगों के सामने क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? रंजीत राय। आपकी बार किसको वोट कर रहे हैं? हम तेजबी के जान रहे हैं जी। तो क्या मुद्दे हैं आपकी बार आपके चुनाव के लिए? चुनाव का यही है, लालटेन को जिताना है, कोई मुद्दा यहाँ खड़ा हो लालटेन पर वोट देना है। क्या माहौल बन रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में बिहार? माहौल तो यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर के RJD के पक्ष में जा रही है, महागठबंधन के पक्ष में जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार अभी चल रही थी वो तो आए दिन बस जुमला दे करके यहाँ की जनता को झेला रही थी। जनता भी सोच रही थी कि अभी कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और जनता के फेवर में कुछ काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस वो कागज़ पे ही कर दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट में जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक करीब लगता है 20 साल से यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे भी हम लोग वंचित हैं। जिसको रोड ले लिया जाए, नाला ले लिया जाए, बगल में पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का सारा फैक्ट्री बंद है। आप अगर अभी भी बगल में ही खड़े आप जाकर के पता करेंगे तो सारा फैक्ट्री बंद है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं कि कम से कम 5-10 हज़ार का भी रोजगार मिले और अपने बाल बच्चों का उभरण पोषण कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, इसलिए जनता परेशान है और वो इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव के बाद तेजस्वी की सरकार बनेगी और जरूर बनेगी। सरकार से मन भर गया है, एवरी बार 1500 ऑनलाइन से रोज पढ़ाई थे यार, लड़कन ऑनलाइन से पढ़ाई थे यार, मन भर गया, मन भर गया, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम में नहीं हो रहा, खाली घूसखोरी बढ़ गया। हम लोग वोट शिक्षा वही हाल है, हॉस्पिटल में जाइए तो दवाई नहीं मिलता है, दवाई लिख देगा बाहर से, डॉक्टर जाएगा तो डॉक्टर रहता है वहाँ, कहेगा बाहर ही रहो कोरोना धर लेगा, डॉक्टर को इसी में ठीक नहीं रहा, इलाज कहाँ हो रहा, वहाँ पे डॉक्टर बैठेगा कहेगा यहाँ मरीज है वहीं से लिखेगा, शरीर में ठेकाएगा, इन्हें देखेगा ना नारी देखेगा, इसी लिख देता है दवाई, खाइए मरिए। लॉकडाउन लगा करके तो ये पूरा सत्यानाश करके चटनी क्या किया, स्कूल बंद कर दिया, बच्चे लोगों का पढ़ाई खत्म हो गया, कौन चीज़ रह गया बिहार में, कौन चीज़ छोड़ा हो, खाली वो कागजी नाव, इसका जितना ना कागजी नाव चलता है, रोड बना रहा है तो पानी दे रहा है, बिजली का वही हालत है, अभी बिजली कटा हुआ, नीतीश जी बोलते हैं कि 24 घंटा बिजली देते हैं, यहाँ 2-2 घंटा बिजली कटता है। तो रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार का है स्थिति, रोजगार तो आप लोग देख ही रहे हैं कि दूर दूर से आदमी यहाँ पटना छोड़ कर जाता है, दूर दूर कमाता है। बिहार में जब रोजगार ही रहता था इतना दूर दूर कहला जाता है, दिल्ली मुंबई कहला जाता है। अभी जो लॉकडाउन में काफी लोग बाहर से आए थे तो कितनी दिक्कतें हुई? अरे आने वाले से पूछिएगा तब ना बताएगा, आप पैदल चल कर आया दिल्ली से कलकत्ता से कहाँ कहाँ से आया पैदल चल कर, वो कितना दिन में बेचारा लोग पहुँचा घर, कोई जानता है, कोई उससे पूछने गया का गाड़ी वाला का, कोई गाड़ी आया थोड़ी उसके ले जाने के लिए, बेचारा पैदल कैसे कैसे आया, वो भी आते समय कहीं पानी भी नहीं मिलता तो प्यासे वो कितना आदमी तो सलट रहा था, क्या करेगा। काफी लोगों की बहुत बहुत कितना ट्रेन से कट के मर गया, कितना भूखा मर रहा है, क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। भगवान जी क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं लॉकडाउन में कितनी दिक्कतों का सामना? लॉकडाउन में कि ऑनलाइन से लड़कन पढ़ाई थे इसको, सरकार कहले कि पूरा फ्री हो जाएगा, अब पूरा फ्री है, आ पलटू राम लालू यादव नाम धले हथिन पलटू राम तो पलटते है वहीं तो का भोर देब पलटेला। बालू बंद करने में उसको क्या था, बालू बंद से सब कुछ खराब है, खराब है, पब्लिक मर है, लेबर मर रहा है, गाड़ी वाला मर रहा है, वो अपना तो टैक्स छोड़ेगा नहीं, एगो टैक्स छोड़ेगा, एगो किस्ती माफ़ करेगा कि एक किस्ती हम छोड़ दीजिए, चाहे ये हम लोन नहीं लेंगे, वो तो अपना सब ले लेगा, तो सरकार तो उसी का है तो उसी का पैसा फंड में जाएगा, और गाड़ी वाला यहाँ मर रहा है, बालू कौन चीज़ के बंद हो गए। तो लॉकडाउन में आपका काम चला था या बंद था? बंद था, सभी आदमी उसका था पैसा पॉकेट में है तो किन के खा लेगा कर लेगा, गरीब दुखिया के जो ना के नहीं जो कहाँ से खाएगा, भीखे मांग के ना खाएगा, बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन में जो भी सभी गाड़ियां बंद थी उसका तो इंस्टॉलमेंट सबका चालू है ही। दूसरा क्या है कि जितना भी टैक्सेस था, इंश्योरेंस वगैरह था,
उस सब तो हम लोग पे लोड पड़ ही रहा है। टैक्स में भी उस समय शुरुआती में बोला गया था कि हम लोग जो है उसका फाइन नहीं लेंगे और टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन ये सब जुमला रहा, टैक्स का फाइन भी लिया और जितना पेंडिंग चलान था उस सारा को अपडेट करवा रहा है और ऊपर से 3% उसको जो है बढ़ा भी दिया है। मतलब गाड़ी वालों को तो ये कस के इतने तरीके से जान मार रहा है और गर्दन, मतलब समझिए कि गर्दन वो पकड़ करके ना मोड़ रहा है उसको। हम लोग तो बहुत परेशान है गाड़ी लाइन से चलवा चलवा करके परेशान है। DTO आए दिन परेशान करता है, पुलिस प्रशासन आए दिन परेशान करता है। एक वो अगर पेपर अगर कभी गलती से अगर फेल भी रह गया तो उसके लिए मतलब 5-10 गुना ज़्यादा फाइन है हम लोगों को। दीघा विधानसभा सीट पर जो एक बिजनेसमैन तबका है, एक मजदूर तबका है, वो पिछली सरकार से बहुत नाराज है और इस बार वो महागठबंधन को वोट करने जा रहा है और चलचित्र अभियान के साथ लगातार जुड़े रहिए और बिहार चुनाव से खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।